यमुनानगर में बीजेपी द्वारा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी का पुतला जलाया गया, जिससे किसानों में आक्रोश है। गुस्साए किसानों ने जगाधरी में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि सरकार ये बिल्कुल गलत कर रही है, बीजेपी के लोग बताएं कि आखिर क्यों हमारे किसान नेता का पुतला जलाया गया। बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव करने के बाद किसान बीजेपी कार्यालय से सड़क तक पैदल रोष मार्च निकालते हुए पहुंचे और अंबाला जगाधरी रोड पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेताओं, प्रदेश और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। वहीं किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। क्या हमें थोड़ी देर पहले पता लगा था कि यहाँ पर हमारे नेता गुरनाम सिंह चडूनी का और पुतला फूका है, तो हमने जहाँ हमें पता लगा किसान खादी किसान खेतों का है, तो हमने जिला जो यहाँ मुख्यालय है राजेश सप्रे जी का हमने दफ्तर घेराव किया। हमने उनसे पूछ रहे हैं तो भाई यहाँ किस वजह से हमारे नेता गए पुतला फूका गया, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, ना पर कोई यहाँ पर नेता पहुँचे। उसके विरोध में हमने पूरा टाइम देकर हमने मदन चौहान जी का, कंवरपाल जी का, ये अपना राजेश सप्रे जी का हमने यहाँ पर पुतला फूका है यहाँ पर जीती रोड पर। जैसे जैसे विरोध करेंगे हम उसका उल्टा विरोध करते जाएंगे। क्या हमने चेतावनी दे दी प्रशासन को, अगर आगे से कोई हरकत करेंगे तो हम आमने सामने के होने के लिए तैयार हैं। देखिए ये सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज जो किसान आंदोलन उठा है ये और तेजी पकड़ता जा रहा है। 26 तारीख को पता लग जाएगा यह तो सरकार नहीं है, किसान नहीं। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर वो इस तरह करेंगे तो वे आमने सामने होने के लिए तैयार हैं। किसानों ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान आंदोलन उठा है और किसान आंदोलन और तेजी से उठ रहा है। 26 तारीख को पता चल जाएगा कि या तो किसान नहीं या ये सरकार नहीं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।